हे गाइस, वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल फ्रूडियम लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो तीसरा डे है, हम लोग अभी रूम से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग रूम चेकआउट कर रहे हैं और शाम को हमारा ट्रेन है भिलाई वापसी का। हम लोग अभी बस चेकआउट करके हम लोग निकलेंगे, मार्केट घूमेंगे, आसपास के जो एरिया अपन घूम नहीं पाए हैं वो देखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास में समय है। 4 बजे का ट्रेन, कम से कम 2:30 बजे तक तो आराम से घूम सकते हैं। सारा सामान हमने समेट रखा है और बस निकलते हैं। गाइस, तो रानी जी का तबीयत ठीक है, कल थोड़ा तबियत डाउन था और अभी हम लोग निकल गए हैं। ये देखो सामने में बस हमारा एक चीज़ छूट गया है, ओम कालेश्वर। ठीक है, हमारी शादी जब हो जाएगी तब आएंगे और जल अभिषेक करेंगे। यहीं से ही आना जाना हो रहा है हमारा, तो ये एकदम याद हो गया ये सब जगह को अपन मिस करने वाले आने वाले समय में, क्योंकि यहीं से अपन जाते थे, घूमते थे, महादेव जी का दर्शन करते थे और खाना पीना भी कभी यहाँ कर लेते थे, कभी उस साइड में कर लेते थे। मंदिर के इर्द-गिर्द में बहुत सारे मार्केट हैं, यहीं पे हम लोग खाया करते थे। तो सब यादें अब छोड़ के जा रहे हैं अपन। आज हम लोग नाश्ता उस साइड करने वाले हैं, दूसरे छोर पर। यहाँ पे तो अपन नाश्ता कर कर के बोर हो गए हैं, कुछ नया जगह पे करेंगे। सुबह से भक्तगण लाइन लगी हुई है। गाइस देखो, सामने देखो तानी जी का चेहरा, देखो कितना खिलखिला रहा है चेहरा। कोई मुरझाया नहीं है, इतना सुंदर दिख रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ सुंदर दिख रही कि नहीं दिख रही है तानी जी। हाँ, लेकिन सिंपल सादा ये अपना की मेकअप करती है, उतना बड़ा बड़ा मेकअप नहीं करती है। काजल, लिपस्टिक, बस हो गया, इतने ही में खुश रहती है ये। हाँ, फेस पाउडर हो गया। ये देखो सब जा रहे हैं, आ गए हैं। आज हमारा आखिरी है, चौथा बार है हम लोग का जो हम भ्रमण कर रहे हैं, और यहीं से हम लोग जाएंगे दूसरे छोर पर जहाँ पे बड़ा गणेश है। ये देखो गाइस, समुद्र मंथन। हाँ, अभी हम ये लगवा लिए हैं महाकाल का चंदन और अभी वही देख रहे हैं, दुकान देख रहे हैं कि अपन कहाँ पे नाश्ता करेंगे, क्योंकि अपने को डोसा खाना है। डोसा का दुकान होंगे तो खाएंगे, और यहीं पे अपन कल रात को दूध वगैरह भी पिए थे केसरी वाला, मज़ा आ गया था भाई, अपन ज़बरदस्त। ये देखो यहाँ पे है मसाला डोसा, यहीं चलते हैं। गाइस, तो यहाँ पे हमारा डोसा बन रहा है, 70 रुपये एक डोसा है मसाला डोसा। हम खा कर बताएंगे आप लोगों को। और तानी जी को देखिए, ये भी लगाई है महाकाल चंदन, पूरा एब्रो तक लगा दी थी। ठीक दिख रही है वैसे। गाइस, यहाँ तो लोगों को आता और ये समझ लिया है। तो ये देखो आलू गया भाई, सर हमारा रेडी हो रहा है। गाइस, तो ये हमारा मसाला डोसा, यहाँ पे चटनी मिली हुई है, ये सांभर और ये नारियल की चटनी, और दाने जी भी अभी खाने वाली है। फर्स्ट 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 दाने जी पहले बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो मैं आप टेस्ट करता हूँ। नेपकिन नहीं,
ट्राई कर सकता हूँ, चटनी में इतना कुछ दम नहीं है। तो हम लोग पीछे वाला जो होटल है वहीं पे हमने खाया है डोसा, लेकिन सच बताऊं कि मत खाइएगा, बिल्कुल टेस्ट नहीं था डोसे में और ना ही सांभर में ना ही चटनी में। मतलब यहाँ का जो डोसा है ना बहुत बेकार लग रहा है। और ये भी है कि छत्तीसगढ़ में जो खाने मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं नहीं मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग थाली भी खाए थे तो वहाँ भी कुछ ढंग का सब्ज़ी में स्वाद नहीं था। तो ठीक है, अभी हम लोग आसपास का एरिया घूम रहे हैं, अभी हम मार्केट में ये देख ही रहे हैं आप गाइस। तो यहाँ पे हम लोग फूड ट्राई करने वाले हैं, 20 रुपये का है। यहाँ पे फ्रूट खाने वाली है यार, क्या धुआं निकल रहा है। इनका भी चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तामी ब्लॉग्स। कौन से ले रही तरु? कौन से वाली खाओगी? ये वाली खाओगी या ये वाली खाओगी? कौन से? कितना कितना प्राइस का है? ये 20 का है, ये 10 रुपीज़ का। 20 वाला ले लेना और क्या? क्या ले लेना? हाँ, ये मार देगा ये। अरे काट दो ना, वो काट काट दो। अरे काट दो, पहली बार खा रहे हो? अरे पकड़ते नहीं। अरे तो काट के दोगे कि नहीं दोगे पूछ रहे हैं ना? कोई भी काटा वाटा नहीं है। काट के इसको छोटा दोगे कि नहीं दोगे? पीस करना है। हाँ हम दोनों का आ गया। तानी जी तो पहले से खा रही, कैसा लग रहा था तरु? मजा आ रहा खाने में? ऐसे घर में रहता तो खाते नहीं है, वो बाहर में खा रहे हैं। हाँ आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आइए उज्जैन और खाइए, या फिर घर में बाजार बाजार जाइए, खरीद के आइए और खाइए इस तरह से। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।